उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो देखने वाला हर एक शख्स महिला पर हो रहे इस अत्याचार को देखकर सिहर उठा। इस वीडियो में एक शख्स हाथ में डंडा लिए हुए एक महिला को दौड़ा रहा है और जैसे ही महिला भागते हुए एक मंदिर के सामने पहुंचती है, शख्स उसे पकड़ लेता है और डंडे से पीटने लगता है। हाथ में डंडा पकड़े हुए शख्स कोई और नहीं, उस महिला का बेटा है जिस पर हुए अत्याचार का वीडियो आपने देखा। वीडियो ऐसा है कि देखकर दिल पसीज जाए, पर वहां मौजूद लोग बूढ़ी माँ को बचाने के बजाय वीडियो बनाते रहे। आज तक से जुड़े मुकुल शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक मामला बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र के खैरपुर गांव का है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम दुर्गेश शर्मा है। वीडियो में दुर्गेश डंडा लेकर बीच सड़क पर चल रहा है, जबकि उसकी बदहवास माँ उसे बचते बचाते इधर उधर दौड़ रही है। वो एक घर से दूसरे घर में जा रही है और अपने बेटे से छिपने की कोशिश कर रही है, मदद के लिए चिल्ला रही है। एक मंदिर के पास दुर्गेश उनकी पिटाई करने लगता है। वीडियो वायरल होने के बाद दुर्गेश शर्मा के चचेरे भाई ने FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दुर्गेश को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले पर SP रोहित मिश्रा ने बताया कि घटना 30 मार्च की है। आरोपी के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और सार्वजनिक स्थल पर हंगामा करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि दुर्गेश को कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां उसे जमानत मिल गई है। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के अनमया जिले में भी एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें श्रीनिवास रेड्डी नाम का एक व्यक्ति अपने माता पिता को मारता दिखा। बताया गया कि जमीन से जुड़े विवाद के कारण बेटे ने माता पिता के साथ मारपीट की। पीड़ित बुजुर्ग का नाम वेंकट रमण रेड्डी और लक्ष्मा बताया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। वीडियो में श्रीनिवास अपनी बुजुर्ग माँ को पीटता दिखा, उनके बाल खींचते हुए उनको लात मारता दिखा। खबर को लिखा था हमारे साथी हरीश ने। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि इस खबर पर आप क्या सोचते हैं। और देखते रहिए दिल्ली लंटॉप। शुक्रिया।